जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक वीडियो मेरे पास आया है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जिन्होंने जवानों के कुछ पॉइंट उठाए थे जवानों के वेलफेयर के लिए, और कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें जवानों की जान खतरे में है, और जवानों को खराब राशन, स्ट्रेंथ का पूरा नहीं होना, स्ट्रेंथ बड़े अधिकारियों को अपने निजी काम में यूज करना, इस तरह के कुछ पॉइंट उन्होंने लेटर ऊपर लिखे थे। अभी उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी जो अफसर है, एक TYC और एक DIG लेवल के अफसर कर रहे हैं। जब ये हमारे असिस्टेंट कमांडेंट उस इंक्वायरी में शामिल होने के कि भाई अगर मेरी इंक्वायरी है तो कम से कम मुझे बुलाया जाए, मेरे सामने चले, जब ये गेट में गए हैं तो गेट में आदेश दे दिया गया कि भाई उनको आने मत देना। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, और वीडियो दिखाने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जब एक अधिकारी के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो सोचें कि फोर्स के अंदर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, या किसी भी बेल्ट फोर्स में जब एक असिस्टेंट कमांडेंट की हालत हो सकती है, तो फिर एक जवान की क्या होती होगी। क्योंकि जब जवान पर इंक्वायरी चलती है, झूठे फैसले सुना दिए जाते हैं, झूठी सजा दी जाती है जवान को, तो उस जवान का क्या हाल होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं एक चीज और बता दूं आपको। फोन मेरे को नहीं मिल रही है। कितने बजे मैं एग्जिट हुआ, मुझे इस कैंप में धमकी दी जा रही है उठा के फेंकने की। कौन धमकी दिया सर? हां मुझे आपके TYC मदन मोहन सर है, उन्होंने वो आप ऐसे बुद्धि को बोला आप तो मैंने कोई पत्र नहीं दिया। मुझे इंक्वायरी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, मैं जो कि मेरे को आप तो प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम आप देखो को नहीं है। एंट्री मैं यहां कितने बजे आया हूं, बेचते लाइए तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वही आपको एंट्री है। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि ये सीआरपीएफ से हैं, असिस्टेंट कमांडर, और इन्होंने खुद बताया कि भाई इनको गेट पर नहीं जाने दिया जा रहा। संतरी ने बताया कि भाई मेरी तो मजबूरी है सर, मुझे आदेश है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूं। अब उन्होंने कहा कि भाई कम से कम आप मेरी एंट्री करो, गेट पर एंट्री कीजिए कि मैं यहाँ आया था, तो कम से कम मैं ऊपर जब कोई कंप्लेंट करूंगा तो उसकी शिकायत तो कर सकता हूँ। बोलते हैं सर आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत से जवानों के पास आई है। कुछ दिन पहले हमारे भी एक सेंटर में जवान, ना तो उसको लेट होने के बाद में यूनिट ले रही थी और ना ही सेंटर। फिर जवान ने मेरे को फोन किया कि सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि भाई आप एंट्री रजिस्ट्री पर करके कल ना केस करोगे तो बताओगे कि मैं गाया था, नहीं तो क्या कहेंगे कि आए नहीं, झुठला देंगे सर आप। बोला सर मुझे घुसने ही नहीं दिया जा रहा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे इस वीडियो में भी है और मैंने भी उस जवान को उसी समय बताया था कि आप वीडियो बनाइए, गेट के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाइए, आप वायरल मत करिए मेरी तरफ से, लेकिन अपने पास सबूत के तौर पर रखें। ऐसे मैंने बहुत से बंदों को पहले भी बताया है। दूसरा, इनका जो आपको पता है कि भी हमारे जैसे किसी भी, चाहे आपका कंपनी कमांडर ने या CEO ने आपको कभी भी कोई गलत तरीके की सजा देती है, तो उसके खिलाफ आप कई बहुत बंदे होते हैं जो डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। उसके लिए एक कंप्लेंट होती है, स्टिचरी और नॉन स्टिचरी कंप्लेंट। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अंत में बताऊंगा, या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक लंबी डिटेल है। पहले आज मैं सिर्फ इनका बता देता हूँ कि इन्होंने जो ऑडियो वायरल किए थे, शायद बहुत दिन पहले आपने ग्रुपों में सुने भी होंगे, कि कम स्ट्रेंथ दे के इनको ऑपरेशन के लिए भेजा गया कि बोले इतने बंदे ले जाओ यार, टोटली तो पूरा करना है। लेकिन इन्होंने बताया कि भाई चाहे वो अम्बुस का मामला हो, या पेट्रोलिंग का हो, या रात्रि गश्त का कोई भी मामला हो, कम स्ट्रेंथ लेके मैं क्यों जाऊं। जो प्योर अम्बुस की स्ट्रेंथ होती है, जो एक कंपनी का स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से अगर हम कम जाएंगे, आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े हमले इस तरह के हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के आतंकवादियों के इलाके में हुए हैं, और उनका कारण वास्तव में जो इन्होंने बताया कि स्ट्रेंथ की कमी। और इन्होंने लेटर में बाकायदा लिखा कि स्ट्रेंथ बैठी है बड़े अधिकारियों के। आप देखोगे जितना बड़ा CO उससे ऊपर ऊपर जैसे DIG PIG इस पैरामिलिट्री फोर्स में भी है, और सेना में भी यही सहलाल, CO ब्रिगेडियर उससे ऊपर ऊपर 10 20 50 100 100 बंदे लेकर बैठे हैं, बड़े लेवल के अधिकारी। अननेसेसरी सिर्फ दिखावे के तौर पर कि हाँ हमारे बंदे इतने हैं। अगर मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, किसी भी, वो पहले रॉयल अफसर थे, जो खानदानी, जो घर से मजबूत थे, जो इस तरह का घटिया काम नहीं करते थे, इस पहली बात तो रखते नहीं थे, रखते थे तो एक सिविल सर्वेंट उसको भी पेमेंट देते थे। आज ये सिविल सर्वेंट तो रख नहीं सकते। अगर इनके किसी के भी बाप में दम हो, अगर खानदानी हो,
तो घर से 10 रखो चाहे 50 रखो, एक बार उनकी पेमेंट देकर दिखा दो। तुम फौज के जवानों की पेमेंट देना तो बहुत दूर की बात है, सिविलियन रख लो, उनकी पेमेंट बचाने के लिए तो तुम ये जवान रख रहे हो। एक सीओ की जितनी पेमेंट नहीं होगी, 10 बंदे जितना वो लेके घूम रहा है, मतलब जितनी उसकी तनख्वाह नहीं उससे ज्यादा की वो सर्वेंट रख रहा है। जिन जवानों को ग्राउंड में मतलब ऑपरेशन में जाना है, अंबुश में जाना है, पेट्रोलिंग और ड्यूटी करनी है, उनको ये सिर्फ कुत्ते घुमाने में लगा रखे। तो इसी तरह के इन्होंने कुछ वो वायरल किए थे और मना किया था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, उसके बाद से इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी में इनको शामिल नहीं हुआ दिया जा रहा है। इसलिए आज का ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद था कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि इन साहब को जो जवानों के हक के लिए, पहले बात तो बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि कोई अफसर जवानों के हक की बात करें, अगर कोई करता है तो उसको भी ये दबाते हैं। तो आप चाहते हो शायद इनका नाम, जो साहब का नाम है राहुल सोलंकी, आपने पहले भी इनको ऑडियो वगैरह देखे होंगे, मैंने भी अपने चैनल में डाला हुआ है। उस टाइम बहुत जंदे बंदे बोल भी रहे थे कि शायद फेंक होगा फलाना होगा, बल्कि इन्होंने उस समय 3 या 4 ऑडियो इनके आए थे और सारे जवानों के पॉइंट रखे थे, वो हमारे चैनल पर पीछे आप जाकर देखोगे, इसी रविंद्र फौजी XRM RTF पर पीछे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि इनको न्याय मिले, और इनके साथ जो जवान हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आदेश मिल रहे हैं लेकिन ये आपके अफसर हैं, हमारे फोर्स के हिस्सा हैं, बदतमीजी नहीं करें। जैसे अगर यही अफसर की बजाय कोई जवान होता तो गेट पे खड़ा हुआ, संतरी तो नहीं लेकिन आर्मी बोलदार या कोई होता तो बोला इसके 2 थप्पड़ देके भगा दो, ऐसा भी होता है, गेट पे भी नहीं खड़ा होना दिया जाता, उसको वीडियो भी नहीं बनाने दिए जाएंगे। तो चलो अफसर है इसलिए कम से कम उन संतरियों ने इनको वीडियो बनाने दिया, नहीं तो नहीं बनाने देते, तो उसके लिए आप थोड़ा दूर जाकर बना सकते हो। ये हमारे जवानों के लिए था, वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।